खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। जो बजाना खुर्द गांव की घटना का अपना पता है कि भाई किस प्रकार से भाई 8 साल की बच्ची की बड़ी बेरहमी के साथ में उसके पिता ने हत्या कर दी, और अब परिवार में कौन बच रहा है? यू छोटा लड़का और ये 14 साल की लड़की। और मेरे साथ पे लाइन पे हैं उसके चाचा जी, इसके चाचा जी हैं, और उनते ही थोड़ी सी बात करने की कोशिश करांगे। राम राम जी। राम राम जी। हैं आप बताओ जी, आप क्या कुछ कहना चाहो? अगर ऐसा कुछ होया है तो कोई बड़ा अधिकारी आया है कोई यहाँ पर संभाल लेने के यहाँ लिए? पर जी कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया है। मैं मेरी घरवाली से डेली मेरी फोन पर बात होती है जी। अच्छा, कोई एमएलए मंत्री, कोई सरपंच, कोई मुखिया, कोई भी बंदा इनके मतलब देख रेख के लिए, मदद के लिए कोई सामने नहीं आया है जी। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रशासन का अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है, ना ही कोई इनकी मदद के लिए यहाँ पर प्रशासन पहुंचे। का अधिकारी आता है पुलिस जी, पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले नजरों में, पुलिस की समझ लो कस्टडी में है मेरे बच्चे और ये बच्चे। तो आप जो इनका गुड़िया और का मकान है वो तो बंद पड़ा है, उसके अंदर तो बदबू भी आ रही थी, उसके अंदर शायद मुर्गे मार्गे भी रुके पड़े वो हैं। मुर्गे मुर्गे का अच्छा, काम जी मैं करवा का आया था इन बच्चों के लिए। इनके छोटे छोटे थे, इनकी माँ मर गई थी कुछ साल पहले। तो गांव वालों का भी आरोप है इस बारे में कि उसमें भी इसी का हाथ था, किसका? जो उनके इनके गुड़िया का जो पिताजी है, जो आपका भाई साहब है, उसी का हाथ है उसकी डेथ में भी? वो हाँ जी, उसने क्लियर है जी, उसने कबूल कर लिया था जी हमारे सामने। मैंने मारती गुस्से में आख है, तो हमने हमारे परिवार ने मेरे से बहुत बड़े बड़े हैं चाचा ताऊ, हाँ सबका डिसीजन यही था जी मतलब इन बच्चों की देखभाल कौन करेगा। कम से कम सारा अपने बच्चों को पालते लेगा, बहू मारते थे, कौन जिम्मेवार होगा जी? कोई सामने नहीं आया था। उस टाइम पर भी एक दो बंदों ने केस दर्ज करवाने की कोशिश भी की थी, पर उनको भी कुछ अच्छे बंदों ने उनको रोक दिया गया था जी। तो इससे पहला भी जो आपके माता पिता की डेथ कैसे हुई थी, गांव वालों का इसमें भी आरोप लगाया गया है कि उसमें भी इसी हाँ का हाथ जी, था? इसको ये अपने भाइयों की जमीन हथियाने के चक्कर में इसने अपने भाई और भाभी, दो भाभी और एक और दूसरा भाई गंवाना रहते हैं, हाँ उनको फंसाने के चक्कर में भाई इनको आरोप लगा के और इनको फंसा दे और तेरे जमीन रह जाएगी खेत की घर की। अच्छा, तो इसने इस आपके बंदे माता पिता को भी मारा है? मेरे चाचा चाची हैं जी, हूँ अच्छा, आपके चाचा चाची हैं चाचा। जिसकी? हाँ ओके, मैं हूँ, मेरा नाम है जी महावीर, मैं हूँ चंदन का। अच्छा जी, ये है जय भगवान जगन्नाथ, ये है जगराम का। यानी कि आपके मतलब पिताजी और हैं दो भाई थे? नहीं जी, मेरे जो दादा थे मौलू था, और इसका दादा था छोटू, छोटू। ये एक बाप के थे जी, छोटू अच्छा, और मोलू, छोटू और मोलू एक बाप के थे जी। तो ये तो बिल्कुल फिर इसका मतलब जमा साइको किलर है ये तो। हाँ क्लियर है जी, ये तो फांसी से भी कोई बड़ी सजा होना जी, वो दिलाने की कोशिश करो जी। तो इस पे आपने रैम क्यों कराया था जब इसने इतना अपराध कर दिया रहम था? है जी, मेरे से बड़ा परिवार है, मेरे से बड़े हैं, हमने कुछ कर पाए, हमने क्या रहम करना था जी। हमने तो आप बच्चों की जिम्मेवारी ली थी जी। उस टाइम पे भी हमने बच्चे, मेरी घरवाली ने हमने बच्चों का फिर भी ध्यान बहुत रखा जी। तो आप उसमें जो इनका पुराना जो मकान है, जो सामा हत्या करी है उस गुड़िया की, वो तो बंद पड़या है, लोग लग रहे हैं उसमें जो से मुर्गे वार गए, वह भी मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, जो पड़ोसी हैं वो भी परेशान मेरी होंगे इस तरह। लड़की जाती है जी, मेरी घरवाली जाती है, और दाना पानी करके आते हैं, दो दो तीन तीन टाइम जाते हैं जी। तो अब जो आप बता रहे थे कि उस मकान को भी गिरवी रखा गया है, तो वो मकान भी घर का नहीं है? है वो भी नहीं जी, वो उन बंदों का बहुत एहसान है जी, जो इन बच्चों के लिए उन बंदों ने मतलब खाली नहीं करवाया था माँ एक्सपायर होने के बाद। अच्छा, और ना और ही उसका बहुत कर्जा महान चुकाया आदमी इसने। है जी, जो इन बच्चों के लिए मतलब रहने के लिए छोड़ रखा है तो इसने खाली नहीं कर्जा भी नहीं करवाया। चुकाया उसका, ना देने की सोची इसने?
ना तो देना जी और ना किसी का लिया जी, दिया नहीं जी इसने किसी का भी। अच्छा हाँ, सारा शराब में सुरपे में गंजे में ध्यान था जी इसका सारा, अच्छा, जिसका लिया उसका लूट लिया, उसका दिया नहीं, क्यों किसी के ले लिए पैसे नहीं दिए। बहुत सारे मिलेंगे जी, जो बंदे आपको गांव में मतलब बहुत बंदों के पैसे भी मतलब नहीं दिए है उसने। तो इस टाइम पे आप के चाहो हो इन बच्चे हाथ के कुछ होना चाहिए जो प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई जा सके। हमें ये चाह जी, पहली बात तो इन बच्चों के लिए मतलब दो मेरे बच्चे हैं, मेरी घरवाली है और दो ही बच्चे हैं, वो बाहर ना आवे, बाहर आवे तो हो सकता है हम भी दुश्मन है उसके। अच्छा, वो आपकी जान ने भी खतरा है, आपकी जान ने भी खतरा, आपके परिवार वालों की ने भी। हाँ, क्योंकि जी बच्चे तो हम बचा रहे हैं ना, वो उसने तो ये बच्चे मारने थे जी। अच्छा, इनती भी मारना चाहा है और आपने बचा लिए हैं, तो आपका भी दुश्मन हो गया वो। बड़ी लड़की की इसकी उंगली भी काट रखी है, कमर पे ईंट भी मार रखी है, सिर में भी है कुछ चोटे, इस लड़की का मतलब दिखाई भी दे रही है जी। चलो, इस गुड़िया से भी बात करूंगा मैं और जो प्रशासन है उससे भी जरूर मैं इस बारे में करूंगा, और जितने भी मेरे संपर्क में हैं मदद के लिए। हमारे हमारे हालात ऐसे है जी, सरकार से मतलब हमारे पास राशन भी नहीं मिलता है। अच्छा, सरकार से राशन भी नहीं मिल रहा आपने? हाँ, मेरे परिवार को और ये जो गुड़िया है इस परिवार को। चलो, आपका राशन का भी करवाएंगे जी, और अगर बच्चे पढ़ना चाहें इनकी शिक्षा का भी जरूर करवाएंगे। तो जी सरकारी स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते जी, सरकारी स्कूल में ये पढ़ते हैं। जितनी संभव हो उसका जी मदद करवाएंगे, और किसी बड़ा मंत्री या एमएलए से बात करके ना जो आर्थिक मदद है वो भी आपकी करवाने की पूरी कोशिश करेंगे जी। हमारी तरफ तो पूरा प्रयास रहेगा, और जो कि जी मैं पूरे गांव के बीच में पुलिस ने ही मेरी घरवाली को जिम्मेवार बनाया और मेरी घरवाली ने मेरे से बगैर बुझे डिसीजन लिया जी। मैं महान समझता हूँ, मैं इसने ऐसा डिसीजन लिया, मैं खुश हूँ जी इससे। ऐसी औरतें सबके घर में होनी चाहिए जी। बिल्कुल, क्योंकि ये तो बच्चे बेसहारा हो गए थे, अगर इनको कोई आश्रय नहीं मिलता तो यहाँ भी पता नहीं क्या होता है इनके साथ में भी। ऐसी और सबके घर में हो जाए जी, देश में क्राइम नहीं हो सकता जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो ठीक है जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करांगे जी। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत धन्यवाद जी, इनकी मदद करवाओ जी, कैसे न कैसे जरूर करवावांगे जी, भरोसा रखो जी, मदद जरूर करवावांगे। धन्यवाद। तो भाई, इसके चाचा जी की बात सुनी, जो दूसरा दादा का है, सगा नहीं है इसका, लेकिन इन बच्चों ने यह आसरा दे रहे हैं और अपने घर पर रख रहे हैं। यूँ भी बड़ा रिस्क इनके लिए है, क्योंकि वो इनका भी दुश्मन बन गया है। उसकी खुद फ़ोन पर सारी बात बताई हैं कि किस तरह था, वो बाहर निकल कर इनके लिए भी खतरा बन जाएगा। जब अपने बच्चा का नहीं हो सकता जी, वो किसका उसका है? सही बात, वो किसी का नहीं हो सकता, उसके लिए तो फांसी की सज़ा भी कम है। जो डोड बच्चा के लिए ये हत्या कर लेते हैं, ये पांचवी हत्या है उसकी, पांचवी। पहला उसका जो मैंने कहे है, बुढ़ा बुढ़िया की भी हाँ। करी है, उसकी पत्नी की भी करी है, अपने भाई की भी करी है, भाई की भी करी है, गुड़िया की भी करी है, 8 साल की। फिर बता, अच्छी बात थोड़ी है ये, इस तो घिनौना काम यो भी काम बढ़िया नहीं करेगी ना सरकार, फिर सरकार वर्गी घटिया चीज को, जो इस लड़की के लिए भी कुछ नहीं करेगी ना, फिर तो सरकार घटिया चीज है, हम तो कुछ कुछ नहीं मानते फिर सरकार ने जी। ठीक है ना, इन बच्चों का सहारा भी होना चाहिए, इनका भी बेचारा का ऐसा जुगाड़ है, इनका कौन सा गणे हुए हैं कभी, हमारा गणी धरती पड़ी और गणा हो है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों का सहारा जरूर होना चाहिए जी। तो भाई, सरकार तक भी और जो सीआईडी के साथी देखने लग रहे हैं उन तक भी मैं अनुरोध करूँ कि इनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ताकि इन पर जान का खतरा ना आवे, क्योंकि बाहर अगर वो आ गया तो इनके लिए मुसीबत बनेगा, उसका कोई दया नहीं है भीतर में, क्योंकि जो इतना काम कर सके नहीं उसकी दया तो खत्म हो गई है। और जो सरकार में बैठे वो बाहर आवे क्यों नहीं पता है कि कानून में प्रावधान तो यू है नहीं, जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो सकता तो पैरोल पर तो आ सके हो। जुल्म तो हो रहा है, सबूत जब सारे क्या गाड़ी थानेदार की आ रही थी, वो सबूत नहीं है जमा। पहला वो चार कर चुका है, चार करने के बाद में बाहर था कि नहीं था वो? वो जब तो बाहर था, जब तो किसी ने नहीं सोचा भाई बच्चे पलट जाएंगे इसके, इसलिए जाए तो किसी ने नहीं कदम उठाया, यू भाई इसके बच्चे यहीं आने हैं पलट जाएंगे,
या तो जब बच्चा पाए या तकरन लग गया तो फिर छोड़ना चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल जमा हो तो क्या छोड़ना चाहिए उसका, तो वही बात है कट कट का नून भर दे फिर इवनू देखो आप देखो भी क्या करना चाहिए उसका, छोड़ना नहीं चाहिए उसका, तो फांसी दवानी चाहिए। तो भाई इतना बुरा काम करया है, जितनी बड़ी सजा दे जावा उतनी ये बात थोड़ी है, थोड़ी है कम तक कम घनी कम है। तो फांसी तो एकदम मर जाएगा, लेकिन फांसी तो भी अगर कोई बड़ी कड़ी सजा है नहीं जिसमें वो जिंदा भी रहे और महसूस भी करे और कुछ कर भी नहीं सके और तड़प तड़प का मरे, इस तरह ही कोई सजा होनी चाहिए कानून का। मैं ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि भाई जितना दर्द तना श्यामी वाला तो दे है उतना ही दर्द तेरा भी हो है, उस तक घना हुआ है। शर्म भी को ना आई, हाथ पाँव उंगली काटती ना, 10 की 10 उंगली प्लास गिल्ला काट रखी थी। तो भाई बहुते बुरा काम होया है, इस गुड़िया तभी बात करांगे आपा और सारी बात पूछांगे। इस वीडियो की सीआईडी वाले साथियों तक मैं अनुरोध करूँ कि ऊपर तक पहुँचावें भाई, इस वीडियो की शेयर कर दियो भाई। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।